व्हाट्सअप गाइस, अगर आप भी अपने मोबाइल से फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का टिप्स एंड ट्रिक लेके आया हूं, जो अगर आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं, अगर वो टिप्स फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो फोटो है नेक्स्ट लेवल तक होने वाला है। और अगर आप DSLR से लेना चाहते हैं, DSLR से फ़ोटो अच्छी आती है, मोबाइल से भी अच्छी आती है। बहुत लोग मोबाइल से फोटोग्राफी करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, उनकी फ़ोटो बहुत ही दमदार रहती है। अब मोबाइल से क्यों कह रहा हूँ फ़ोटो लीजिए, क्योंकि दोस्तों मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास हमेशा रहती है। हमेशा मतलब कि जहाँ पर आपको लोकेशन अच्छा नज़र आता है वहाँ पर आप फ़ोटो ले सकते हैं अपनी, या कोई बैकग्राउंड अच्छा लगता है वहाँ फ़ोटो ले सकते हैं। अब DSLR के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि DSLR हमेशा आपके पास नहीं रहता, आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है लोकेशन DSLR ले जाने के बाद, तो ये सब करना पड़ता है। तो मोबाइल से अगर आप सीख गए कि अच्छी फ़ोटो कैसे ली जाती है, तो यकीन मानिए फ़ोटो आपका नेक्स्ट लेवल होने वाला है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और Instagram पे फॉलो जरूर करिएगा। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल से फ़ोटो लेते वक्त पहली चीज़ जो सभी लोग गलती करते हैं, या दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, मतलब कि आप उसके ध्यान नहीं देते हैं, अपने मोबाइल का जो लेंस है उसे साफ़ रखना। क्योंकि दोस्तों आपका जो लेंस है हमेशा गंदा ही रहता है, जेब में रखते हैं या दोस्तों कहीं पर रख देते हैं तो मोबाइल का लेंस गंदा हो जाता है, तो उसे हमेशा साफ़ रखिएगा। जब आप फ़ोटो लेते हैं या वीडियो बनाते हैं तब देखिएगा क्वालिटी में ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। और अगली चीज़, मोबाइल का जो कैमरा होता है, जो सेंसर होता है, उसमें दोस्तों बहुत ही छोटा होता है और लाइट अंदर नहीं जा पाती, और आपका जो बैकग्राउंड है ब्लर भी नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड को हल्का सा दूर रखना है और सब्जेक्ट को पास रखना है, तब जाके देखिएगा आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर होगा। अब यहाँ पर आपको एक और काम करना होगा, एक अच्छा बैकग्राउंड ढूंढना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्लेन बैकग्राउंड है, इसी तरह आपको प्लेन बैकग्राउंड ढूंढना होगा। आप दुकान पर चले जा सकते हैं, कॉफ़ी शॉप में जा सकते हैं, या दोस्तों आप कई ऐसी जगह कोई वॉल फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर ब्लैक वाल हो, रेड वाल हो, येलो वाल हो, तो वहाँ पर फ़ोटो लीजिएगा, बहुत ही गजब का फ़ोटो आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्लैक बैकग्राउंड है हमारे पास, और यहाँ पर मैं फ़ोटोग्राफी करना चाहता हूँ, तो मोबाइल से भी अच्छी फ़ोटो आएगी। और आपको लाइटिंग ध्यान में रखना होगा कि लाइट किधर से आ रही है, आपको लाइट सामने से आनी चाहिए, तब जाके आपका फ़ोटो और भी तगड़ा बनेगा। अगर आप और भी थोड़ा सा एडिट कर देते हैं लाइट रूम की मदद से, और भी दमदार हो जाएगा। और अगली चीज़ है, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जब फ़ोटो लेते हैं अपने मोबाइल का फ़ोटो मोड तो ऑन कर लेते हैं, फुल स्क्रीन में फ़ोटो लेते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो मोबाइल सेंसर है, कैमरा वाला जो सेंसर है, वो क्रॉप कर देता है आपकी फ़ोटो को, और क्वालिटी और भी ख़राब कर देती है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपको एक रेशियो मिल जाता है, जैसे कि ऊपर की तरफ जाएंगे 1:1, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि फ़ोटो तो अच्छी आएगी, क्वालिटी भी पूरा, मतलब कि सेंसर यूज़ करेगा मोबाइल की फ़ोटो लेते वक्त, तो आपको इसको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसका एक और फ़ायदा है, इंस्टाग्राम पे जब फ़ोटो अपलोड करते हैं अगर फुल स्क्रीन पे लेते हैं तो ऑटोमेटिक फ़ोटो क्रॉप हो जाता है, पूरी फ़ोटो नहीं अपलोड हो पाती है। तो इस तरह अगर आप फ़ोटो लेते हैं इस मोड से, तो आपकी फ़ोटो पूरी साइज में आएगी। अब दोस्तों अगली चीज़ है कैमरा एंगल। मैं कैमरा एंगल की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हल्का सा ऊपर या नीचे ज़्यादा ले जाते हैं अपने एंगल को, मोबाइल को, तो बहुत ही फ़ोटो स्ट्रेट नहीं आती, सीधी फ़ोटो नहीं आती, ऊपर नीचे आती है। तो आपको क्या करना है, कैमरा एंगल को नोटिस करना होगा कहाँ पर बेस्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा बेस्ट कैमरा एंगल होता है। साइड में आप फ़ोटो ले सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहाँ पर आपको रखना है पोजीशन को मोबाइल को, जैसे कि यहाँ पर आपको आई लेवल के बीचों बीच कैमरा को, मतलब कि मोबाइल को नहीं रखना है, आई लेवल से हल्का सा नीचे रख सकते हैं। अगर आप इसके बराबर ले जाते हैं कैमरा एंगल को मोबाइल को, जस्ट इस तरह, तो फ़ोटो देखिएगा कि आपकी फ़ोटो बहुत ही स्ट्रेट आएगी, सीधी आएगी, और ऐसी फ़ोटो बहुत ही गजब की लगती है। तो कैमरा एंगल बहुत तरह के होते हैं दोस्तों, कैमरा एंगल के एक अलग से मैंने वीडियो भी बनाया है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, उस पर आप कुछ नया भी सीख सकते हैं। और अगला जो ट्रिक आता है दोस्तों, ये बहुत लोगों की ज़रूरत है ट्रिक, मतलब कि काम का ट्रिक है, जो लोग फ़ोटो लेना चाहते हैं कंटिन्यूअस, मतलब कि लगातार फ़ोटो लेना चाहते हैं एक ही टाइप में और मूवमेंट करके, जैसे कि कोई वॉक कर रहा है उसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं, या कोई दौड़ रहा है उसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं कंटिन्यूअस, और बेस्ट फ़ोटो कोई भी आ जाएगा एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो कंटिन्यूअस फ़ोटो लेना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए और
जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा ऑन हो गया है। बस आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस रखना है। बस आपको लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो ये कंटिन्यूस फ़ोटो ले रहा है, तो इस तरह आपका कंटिन्यूस फ़ोटो भी हो जाएगा और जो बेस्ट फ़ोटो होती है उसको आपको ले जाएगा। और यहाँ पर एक गलती करते हैं लोग, कंटिन्यूस फ़ोटो लो लाइट में बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। लो लाइट में आपकी फ़ोटो ब्लर टाइप आएगी, शेक टाइप आएगी, तो आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जब आप लेंगे फ़ोटो दिन के समय लीजिएगा, दोपहर के समय लीजिएगा, तो फ़ोटो में शेक और ब्लर प्रॉब्लम नहीं आएगी जब भी आप कंटिन्यूस फ़ोटो लेते हैं। बस दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जो टिप्स मैंने आपको बताया पसंद आया, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी मैं मोबाइल फ़ोटोग्राफी के टिप्स एंड ट्रिक लेके आता रहता हूँ चैनल पे, आपको बहुत तरह के मिल जाएंगे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटिक वीडियो, ये सब दोस्तों इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।